अहम खबर देंगे यहाँ आपको। पीपल्स पार्टी के सलीम हैदर गवर्नर पंजाब और फैसल करीम कुंडी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने उन्हें नामजद कर दिया है। गवर्नर बलोचिस्तान के लिए मुस्लिम लीग नून के शेख जाफर मंदुखेल का नाम फाइनल। जबकि सिंध में एमकेएम का नामजद गवर्नर रहेगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से सलीम हैदर को बतौर गवर्नर पंजाब नामजद किया गया है, जबकि फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के लिए नामजद किया गया है। इस सिलसिले में नामजदगियां चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से की गई हैं। गवर्नर बलोचिस्तान के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से शेख जाफर मंदुखेल का नाम फाइनल किया गया है, जिसकी बाकायदा तौर पर मंजूरी सदर मुमलिकत की जानिब से दी जानी है। इसके अलावा सिंध में एमकेएम का नामजद गवर्नर ही रहेगा, इस हवाले से फैसला किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पीपल्स पार्टी का नामजद गवर्नर होगा। फैसल करीम कुंडी जिन्हें नामजद किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, वो खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी के सरगर्म रहनुमा हैं। फैसल करीम कुंडी 2008 से 2013 तक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं, जबकि हालिया इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त वो हार गए थे। तहम उन्हें अब पीपल्स पार्टी की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नरशिप के लिए नामजद किया गया है।